इस बार विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी सरकार नई जनसंख्या नीति की घोषणा करेगी। सीएम योगी 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति की घोषणा करेंगे और इसके लिए बकायदा सीएम योगी ने यूपी जनसंख्या नीति 2021 से 30 का प्रेजेंटेशन भी देखा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। सीएम योगी ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण पर लोगों को जागरूक करने वाले कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। इस विशेष अभियान से यूपी सरकार की कोशिश नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को भी कम करने की है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मयूर इस वक्त लाइव मौजूद है। मयूर, इसको लेकर अभी तक और क्या कुछ जानकारी सामने आई है नई जनसंख्या नीति को लेकर? बिल्कुल प्रिया, देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या वृद्धि सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत है। जनसंख्या बढ़ने के कारण से ही तमाम सारी जो है दिक्कतों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है। इसी को लेके अब यूपी में क्या नीति रहेगी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और जो शिशु दर है, जो मृत्यु दर है, उसको रोकने की भी बात की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल की बात की जाएगी, किन्हीं कारणों से अगर किसी की डेथ भी होती है तो उसको किस तरीके से रोका जाए इस पर भी बात होगी। यानी कि जनसंख्या कंट्रोल जो नियम है वो 11 जुलाई को 2021 से 30 यानी कि 10 साल के लिए योगी सरकार पेश करने जा रही है। 2000 से 2016 तक ये जो नीति चल रही थी अब वो खत्म हो चुकी है, अब 2021 से 2030 तक की बनाई जाएगी। 11 जुलाई को इसका जो है प्रेजेंटेशन होगा और 11 जुलाई को क्या कुछ नियम है वो निकल के आएंगे। तो इसमें तमाम सारी बातों का ध्यान रखा गया है। बच्चों की जब जन्म होता है तो उनकी माताओं की डेथ हो जाती है या शिशुओं की डेथ हो जाती है, उसको किस तरीके से रोकना है इस पर ध्यान दिया जाएगा। बुजुर्ग का पालन पोषण कैसे करना है इस पर ध्यान दिया जाएगा और खास तौर पे 11 से 19 साल तक के जो युवा हैं यानी कि अगर हम उनको टीनेजर्स कहें तो उनके स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरीके से होगी इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही यूपी की खास तौर पे जनसंख्या अगर हम बात करें तो 24 से 25 करोड़ है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होगा जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर जन चेतना बहुत ज्यादा जरूरी है, जागरूक करने की भी कोशिश की जाएगी लोगों को। बिल्कुल प्रिया, जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। अहम नीति तो यही है, यही मुद्दा है कि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि अगर जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या और ज्यादा अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि जो संसाधन है प्रकृति ने हमें दे रखे हैं वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड संसाधन में अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उससे तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। तो जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनको अगर सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, उसका यूज करना है, तो एक जनसंख्या कंट्रोल जो नीति बनेगी उसके तहत अगर वो लोग आएंगे तो फिर उनको वो चीजें भी मिलेंगी। तो ये जरूरी हो जाता है कि एक समुदाय जो अलग अलग समुदाय है उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि जनसंख्या कंट्रोल करना कितना जरूरी है और खास तौर पर स्कूलों में भी इसकी शिक्षा दी जाएगी, नुक्कड़ नाटक करके इसकी शिक्षा दी जाएगी। तो जो 10 साल की पूरी नीति है योगी सरकार तैयार करने जा रही है और हमेशा से जनसंख्या को लेकर आवाज उठती रही है कि जनसंख्या कंट्रोल कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर जनसंख्या में विस्फोट होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर बैठक हो चुकी है, प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री ने। बहुत धन्यवाद मयूर, आपका दोनों ही खबरों पर विस्तार से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।